शौर तुम लोग सुधर जाओ, अपनी ऑफलाइन अटेंड करना चाहिए था। ए बिल्कुल आवाज नहीं, पता नहीं चल रहा, तबीयत खराब है मेरी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मुस्कान बेटा, तुम्हारा पहला दिन, एकदम रिलैक्स होके बैठना, कहानी की तरह सुनना, कोई उसको बंद कर लो। बोल दिया ना, बात नहीं। ए बात नहीं, हाँ। तो बच्चों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन में हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, मुस्कान फ्रिक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है ना तुमने। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक दो तरह के होते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मुस्कान? म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू होती है। ठीक, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे आज ही, मोबाइल नंबर पे भैया के डालेंगे, तुम उसमें एक एक करके देखना चालू करो। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होती है, किसी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अच्छा, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज डिस्कस करें, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। मान लेते हैं किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन है, कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, और किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी रखी है, किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखी है और m मास की बॉडी है, और हमसे पूछा जाए कि बताओ ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, या इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, इस बारे में हमें डिस्कशन करना हो, तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखी है और अगर फ्रिक्शन ना होता, अगर ये रफ ना होता, अगर ये रफ ना होता जो कि अभी है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, तो ये ब्लॉक किधर स्लिप करता, नीचे आता कि ऊपर जाता? नीचे आता, यानी ये ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की होगी। इसलिए जब ये आप इसको रफ सरफेस पे छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा, नीचे जो इस, लेकिन फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा जो इसको नीचे आने का अपोज करेगा। अब फ्रिक्शन अगर अपोज करेगा तो दो बातें हो सकती, या तो ये नीचे आ जाएगा या नीचे नहीं आ पाएगा। अगर ये नीचे चला आया इसका मतलब है फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है,
ये स्लिप कर रहा होगा ना, और यदि ये नीचे नहीं आया तो इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं कब नीचे आएगा कब नहीं आएगा, कब ये स्लिप करेगा कब नहीं स्लिप करेगा। तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्स बनाते हैं। तो याद करो जरा इंक्लाइंड प्लेन में जब हम फोर्स बनाया करते थे तो mg के दो कंपोनेंट बनाते थे। mg कैसा लगता था, यहां याद करो, mg लगता था इस तरह से लगता था ना, और इस वेट के दो कंपोनेंट बनाते थे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ये वाला कंपोनेंट होता था mg और ये वाला होता था mg cos थीटा। ये दो कंपोनेंट, यही वाले दो यहां बना लेंगे हम। वेट का एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा, और एक लग रहा होगा mg cos थीटा, और ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, यहां पर mg cos थीटा के बराबर होगी, और इस फोर्स के कारण ये बॉडी नीचे आना चाहेगी, आने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, जब आप इस बॉडी को छोड़ेंगे तो ये वाला जो फोर्स होगा ये बॉडी को नीचे लाना चाहेगा और फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं वो होती है म्यू एस इनटू नॉर्मल। तो अगर हम कहें ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है तो म्यू एस इनटू एमजी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इतना ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लग सकता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं। यदि mg sin थीटा की वैल्यू, mg sin थीटा की वैल्यू इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है, बड़ी, तो ये बॉडी नीचे चली जाएगी, स्लिप कर जाएगी, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही। लेकिन अगर ये mg sin थीटा इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, यदि तो ये कम है मैक्सिमम वैल्यू से, तो ये बॉडी फ्रिक्शन इसे रोक लेगा। मान लीजिए ये 100 है और ये 50 ही है, तो फ्रिक्शन इसको गिरने देगा नहीं, गिरने, फ्रिक्शन चाहता ही है कि स्लिप ना करे बॉडी, याद है कि नहीं। तो अगर mg sin थीटा की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो अगर मैं mg से mg कैंसिल आउट कर दूं, दोनों तरफ sin cos थीटा से डिवाइड कर दूं, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा। तो mg दोनों तरफ mg cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं, यहां ये बचेगा लेस आर इक्वल, यानी ये वाली कंडीशन अगर है। यदि ये वाला फोर्स इससे छोटा होगा, दोनों तरफ mg cos थीटा से डिवाइड करेंगे, या mg cos थीटा खत्म हो जाएगा, या mg खत्म हो जाएगा, sin upon cos tan आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू यदि म्यूएस से छोटी है तो इसका मतलब है फ्रिक्शन हमारा अधिक है, फ्रिक्शन अपनी ताकत को बढ़ा, आपको पता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, पूरा लगेगा तो है, लेकिन इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत से छोटा है, तो ये बॉडी नीचे आ नहीं पाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस परिस्थिति में आप कह सकते हो कि बॉडी का जो एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, बॉडी स्लिप नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा उस परिस्थिति में जितना mg sin थीटा हो, फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो जरूरत के हिसाब से लगता है, तो मैक्स इतना लग सकता है, पर चूंकि अभी मोशन नहीं हो रहा, चूंकि स्लिपिंग नहीं हो रही और स्टैटिक है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर। फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के इक्वल होगी। बताइए बेटा यहां तक स्टोरी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन जीरो होगा कौन सी, इसका मतलब जब ये एंगल, अगर इस एंगल को हम बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, जब तक tan थीटा की वैल्यू किससे छोटी है, म्यू एस, और जैसे ही tan थीटा की, ये वाला फोर्स
ये वाला फोर्स इससे बड़ा हो गया लिमिटिंग से। अगर मान लो mg sin थीटा बड़ा हो जाए म्यू एस mg cos थीटा से, इस इनइक्वालिटी को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ mg cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो अगर tan थीटा म्यू एस से बड़ा है तो फिर ये ब्लॉक क्या होगा बेटा, तो फिर ये ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलने लगेगा, और अगर फिसलने लगेगा तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, कुछ त्वरण आ जाएगा, बताओ आ जाएगा कि नहीं। और अगर त्वरण आ जाएगा तो ये वाला जो फोर्स होगा ये तो mg sin थीटा ही रहेगा, पर ये जो फ्रिक्शन होगा इसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, तब जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की, क्योंकि जब बॉडी स्लिप करने लगती है सरफेस पे उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक। और जब स्लिपिंग नहीं होती है तब क्या कहते हैं बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन यदि लगने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या पढ़ाई थी, म्यू के इनटू एन, म्यू एस और म्यू के अलग अलग होगा, म्यू के आपको दिया जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के, और एन की वैल्यू क्या है इंक्लाइंड प्लेन पर, एम जी कॉस थीटा। अब आपको ये देखना है ये बॉडी किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, आएगा ये तो पक्का है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ये भी पक्का है, कितना लगेगा, इतना लगेगा। तो पहला जवाब हो गया कितना फ्रिक्शन लगेगा, आंसर है म्यू के एम जी कॉस थीटा। अगर स्लिप कर रहा है तो भैया फिर तो काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक तो पीक वैल्यू पे लगता है, कम ज्यादा होता ही नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है बेटा। तो अब इसको नीचे की तरफ अगर हमें न्यूटन लॉ लगाना हो तो क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और जब मोशन होता है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो उस फोर्स को पॉजिटिव लिखते हैं, इसका मतलब इस वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे, इसको नेगेटिव घटा देंगे, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक कितनी वैल्यू है, म्यू के mg cos थीटा, ये फोर्स हो जाएगा f, f हो जाएगा ना, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू ma, और a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। मेरी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो यदि अब ध्यान सुनिए, अभी मैंने एंगल ऑफ रिपोज तो डिफाइन किया ही नहीं, अभी हमने जनरल डिस्कशन किया है कि यदि एक बॉडी बस रफ सरफेस पे रख दिया, अभी से कुछ नहीं लगाया, एक रफ सरफेस थी उस पे हमने बॉडी को रखा और उसके एंगल को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो जब तक टेन थीटा म्यूएस से छोटा था तब तक बॉडी नहीं फिसली, और जैसे उसके आगे एंगल आया तो बॉडी फिसल गई। यानी अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, आप देखिए इस किताब को देखिए, देखिए कुछ लोगों का ऑफलाइन आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, ये किताब है, ये इंक्लाइंड प्लेन अभी किसी स्लोप पे नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूं, चेक करता हूं इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इस बेंच को अगर मैं हल्का सा एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, 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 ये देखिए फिसल गई, तो भैया जिस एंगल पे वो फिसलना शुरू करेगी उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, tan थीटा इक्वल टू म्यूएस का, यानी कि जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन का एंगल इतना ज्यादा हो जाएगा कि बॉडी स्लिपिंग स्टार्ट कर देगी, दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, वो मैक्सिमम एंगल जहां तक बॉडी स्लिप ना करे, या वो मिनिमम एंगल जहां से स्लिपिंग, तो वो मैक्स एंगल जहां तक अगर बॉडी को रखें बॉडी अपनी पोज ना बदले उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, या वो मिनिमम एंगल जहां से बॉडी को रखने के लिए बॉडी पोज बदलना शुरू कर दे उसे एंगल, यानी tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, और मैथमेटिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। अरे यकीन वो भी tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस आया था, याद करो, ये भी tan थीटा इज इक्वल टू, इसलिए याद करो। तो मोरम का अगर ढेर लगाओ, कभी बालू या मोरम का ढेर लगाया, ढेर लगाने का प्रयास करोगे तो जब तुम ढेर ऐसे लगाते हो चारों कोनिकल तरीके से और इसको और ऊंचा करने की कोशिश करते हो तो एक टाइम के बाद इसको अगर आप यहां से यहां तक है तो आप चौड़ा कर सकते हो पर हाइट नहीं बढ़ा सकते हो, मोरम फिसलने लगती है कि प्रैक्टिकल बात है फिजिक्स, ठीक है। तो आपको अगर उसको हाइट बढ़ानी है तो आपको फिर डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा उसका और उसको आपको और चौड़ा करना पड़ेगा तभी आप ऊंचाई तक उसको कर सकते हो, वो भी एंगल ऑफ रिपोज का एग्जांपल। बात समझ में आ गई? तो ये बिल्कुल बेसिक बात है, फटाक से लिख लो। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या हुआ, tan थीटा बराबर म्यू एस, ठीक है, तो इसी को एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ रिपोज
नोट्स। अभी पढ़ाया कितना है? अगर टारगेट बैच के हिसाब से कहें तो फ्रिक्शन अभी 20% हुआ है, तुम्हारे हिसाब से कहें तो 50%। कितने बजे से क्लास रखी? कब? सुबह अर्ली मॉर्निंग। कल शाम को रख लेते हैं क्लास, कल शाम को 4 से 6 क्लास रख ले। कि मैथ का टेस्ट कितने बजे से रखें? नहीं, उसका रीजन है ना कि हमने 11 से 1 ट्वेल्थ वालों को बुलाया है, तो 1 बजे से आपको पढ़ा देंगे। शाम को लेकिन मैथ का जिन लोग का टेस्ट भी है ना, ये 2 बार आना पड़ेगा। टेस्ट 9 बजे से है? अच्छा, तो सुबह 7 बजे सब लोग आ जाओगे? मुस्कान आ जाओगी सुबह 7 बजे? तुम सुबह 7 बजे आ जाओगे? क्यों, कुंभकर्ण हो? अच्छा, किस की क्लास है? कल एक्स्ट्रा क्लास सुप्रीत सोच रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है सर, आप मुझे बता दीजिएगा टाइम। कल मैं एक ऑनलाइन क्लास, नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं, ओके ओके, तो ओके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा अगर होगी कल। नोट कर लिया? अब आप ये बताइएगा, जरा क्वेश्चन बताइएगा, ये का बॉडी है और इसका एंगल 30 डिग्री है, एक बॉडी है ये फिक्स्ड है और म्यू एस है 0.8, और मास है 10 किलोग्राम। फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। बताओ बेटा क्या लगेगा?
सबसे पहले बच्चों इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, तो आपको पहले से नहीं पता है, तो चेक करना होता है कि मोशन होगा कि नहीं होगा। अगर मोशन नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन वैलिड होगी, उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक एमजी sin थीटा के बराबर लगेगा। अगर मोशन होगा तो फिर फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक पे हमने कोई अलग से फोर्स नहीं लगाया, तो आप फॉर्मूले लगा सकते हो यहाँ पे। अब देखो जरा, जैसे यहाँ चेक करो tan थीटा की वैल्यू, चेक करो क्या है, तो tan थीटा की वैल्यू है 1/√3, तो 1/1.732, तो 0.5 समथिंग आएगा। आप देख सकते हो tan थीटा जो है वो छोटा है mu से, है कि नहीं। सो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो, सो बॉडी विल नॉट स्लिप, बॉडी विल नॉट स्लिप, बॉडी स्लिप नहीं करेगी बेटा। तो अगर बॉडी स्लिप नहीं करेगी तो फिर देखो जो फोर्स नीचे लगेगा, जो mg sin थीटा होगा, फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10g sin थीटा के बराबर हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अगर g 10 ले लें, sin 31/2, तो 50 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। तो इस कंडीशन से चेक कर लिया हमने, लेकिन याद रहे ये कंडीशन से तभी चेक कर सकते हो जब ब्लॉक पे अलग से कोई फोर्स ना लगाया हो, ब्लॉक को बस रख दिया है। अगर मैं एक फोर्स F और लगा दूंगा तो फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा। मैं एक सवाल बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, फिर आपको प्रॉपर फोर्सेस बना के चेक करने पड़ेंगे कि मोशन होगा या नहीं होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम आ रही, कहां कम आ रही, 40√3, 40√3 नहीं आएगा, चलो 40√3 तब भी तो ज्यादा है mg sin थीटा, ये 50 है। आप ये कह रहे हो सर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 40√3, राइट। मैं कह रहा हूं ये 68 point something होती है, इसका मतलब यहां पर 68 न्यूटन तक फ्रिक्शन हो सकता था, पर पुलिंग फोर्स कितना है 50, तो मोशन तो हुआ नहीं, तो फ्रिक्शन पूरा थोड़े ना लगे, उतना ही लगेगा ना जितना फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन याद करो, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, जितने की जरूरत होती है कि पूरा लग जाता है। तो भले ही 68 लिमिटिंग फ्रिक्शन है, पर लगेगा कितना, 50 न्यूटन लगेगा। वही तो यहां लिखा है कि अगर मोशन नहीं हो रहा है तो भले ही लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना है, पर लगेगा कितना, mg sin थीटा के बराबर लगेगा। बात समझ रहे हैं ना, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 न्यूटन है, पर 80 थोड़े ना लग जाएगा एक बार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, विकास ठीक। और आप फ्रिक्शन से चाहे चेक करो चाहे चेक करो, ये बेसिक क्वेश्चन तो आप इसी कंडीशन से चेक कर सकते हो। अच्छा बताओ, ये एंगल 45 डिग्री है, चलो 53 डिग्री कर देता हूं मैं, साइन 53 होता है 4/5 और कॉस 53 होता है 3/5, बताओ भाई। अब हमने कहा फ्रिक्शन कोफिशियंट जो है म्यू एस है 0.5 और म्यू के है 0.4 और 10 किलोग्राम की बॉडी है। फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का। यहां एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का, जीरो। देखो बच्चों यहां पर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया गया है, तो ये कैसे चेक कर सकते हो कि मोशन होगा कि नहीं, तो दो तरीके, या तो बेसिक से करो सारे फोर्स बनाओ फिर देखो mg sin थीटा की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी है कि नहीं, या फिर सीधे इक्वेशन से चेक कर लो tan थीटा और म्यू में, देख लो कौन बड़ा है। अगर tan थीटा म्यू से बड़ा है तो स्लिप करेगा फॉर्मूला। देखो जहां फॉर्मूला लगा सकते हो वहां लगा लो, जैसे कि यहां पर हमने बॉडी पे कोई अलग से फोर्स नहीं लगाया है, जब हम अलग से फोर्स लगाएंगे तब तो आपको फोर्स के थ्रू जाना ही पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी बॉडी को फ्रीली रखा है तो कंडीशन से चेक कर सकते हो। तो tan थीटा की वैल्यू देखो क्या आ रही है,
tan 53 है 4/3 और ये देखो म्यूएस से बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया बेटा बॉडी विल स्लिप। बताओ स्लिप करेगी कि नहीं? Yes, अगर बॉडी स्लिप करेगी कितना एक्सेलरेशन होगा? तो अभी अभी मैंने पढ़ाया स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक क्या होता है? म्यू के एन, और इंक्लाइंड प्लेन पे एन की वैल्यू क्या होती है? एम जी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दो 0.4, एम हो गया 10, जी है 10 और कॉस है 3/5। इसको सिंप्लीफाई कर ले। एक्सेलरेशन क्या पढ़ाया? अभी भी देखो पढ़ाया है माइनस भी, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो और एक्सेलरेशन आ जाए। नहीं आ जाएगा, पहले चेक करना पड़ेगा कंडीशन से कि मोशन हो रहा है कि नहीं। यही ऐसे सवाल है जो फॉर्मूले से कर सकते हो। अच्छा, कर लिया ये सवाल सभी ने? समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं आपको वो सवाल बता रहा हूं जिसे आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते, और 90% जेई का सवाल आप फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे। ये बोर्ड का सवाल है बिल्कुल नहीं, 10% तो कर सकते हो। अब जैसे मैं अगर आपसे एक सवाल, जनरल सवाल पूछ रहा हूं, जनरल, जिसको आपसे बेसिक से अप्रोच करना होगा। मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखी है, ये एंगल 53 डिग्री चलो ले लिया, पिछला ही वाला सवाल है, और मास 10 किलोग्राम है बॉडी का। एक अलग से फोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू है 40 न्यूटन। अब हमने कहा बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, कौन सा लगेगा, ये बताना है। फिक्स्ड है और रफ है। म्यू एस की वैल्यू है 0.6 और म्यू के की वैल्यू है 0.4, थोड़ा चेंज किया। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आप इसके बारे में कुछ विचार कर सकते हैं तो आप मुझे आंसर बताएं। अब बच्चों रिकॉर्डिंग नहीं होती है इसलिए कोई भी रिकॉर्डिंग ना मांगे हमसे। तो अब मना करने वाले हम उसको कितनी जिम्मेदारी देंगे? सर? हाँ बेटा। सर थोड़ा बड़ा लिखिएगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा बड़ा। ओके ओके बेटा, ओके ओके। यस सर। मास है सुप्रीत 10 किलोग्राम, ये ठीक है? यस सर। ठीक। म्यू एस है बेटा 0.6,
म्यू के है 0.4, ठीक है, और फोर्स जो लगा रखा है वो 40 न्यूटन है। बता दिया करो कोई चीज अगर छोटी नजर आ रही। अभी नहीं बताएंगे, दो मिनट हम। हाँ बेटा, फ्रिक्शन 40 न्यूटन आएगा क्या? एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देखते हैं, लेट्स सी। एक्सेलरेशन 1.6, लेट्स सी। आप सभी लोग एकदम शांत होके, मेरा 1.6 आ रहा है, 1.6 आ रहा है अपनी। अच्छा ठीक, अब देखो जो गलती सबने की है सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। दिस इज द ब्लॉक और इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, m into g into sin 30 43, है 4/5। क्या ये mg sin थीटा समझ आ रहा है? Yes, sir. ये होगा 8 और ये लग रहा है mg 60 mg cos थीटा, m into g into cos थीटा 60 न्यूटन। यहां से नॉर्मल लगेगा और एक फोर्स हमने लगाया है 40। सबसे आखिरी में फ्रिक्शन लगाओगे, कैसे? सबसे आखिरी में, क्योंकि जब तक सारे फोर्स ना बना लो और ये पता ना चल जाए कि बॉडी की टेंडेंसी किस तरफ जाने की है, तब तक फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत हो जाएगी। अगर ये बॉडी ऊपर जाना चाहेगी तो ये फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और नीचे जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, भले ही इसकी जरूरत ना पड़े, पर लिमिटिंग वैल्यू होगी 60 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, ये नॉर्मल है,
और 0.6 ये, तो म्यू इनटू एन 36 न्यूटन ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लग सकता है। अब जब ये 40 न्यूटन था, ये 80 न्यूटन था, तो इस बॉडी की टेंडेंसी नीचे ही जाने की रही होगी। भले ये फोर्स लगाया पर ये है तो एम जी साइन थीटा से कम, यदि फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी नीचे चली जाती। इसका मतलब फ्रिक्शन ने नीचे जाने से रोकने की कोशिश की हो। फ्रिक्शन अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी कितना हो पाएगा, 36। 36 और 40 मिला के कितना हो रहा है, 76 हो रहा है, पर ये कितना है, यानी फ्रिक्शन पूरी ताकत भी लगा देगा तो क्या 80 को रोक पाएगा। इससे ये डिसाइड होता है कि बॉडी नीचे जाएगी। अब यही मैं बदल रहा हूं, वैल्यू बदल रहा हूं, जरा समझिएगा। अगर ये 0.8 होता, अगर म्यूएस की वैल्यू 0.8 होती, भी दोबारा आ जाऊंगा सवाल पे, तो ये 48 न्यूटन होता, होता कि नहीं? Yes, तब ये 40 और ये 48 ऐड करके मैक्सिमम कितना हो सकता था, तब क्या ये 80 न्यूटन घसीट पाता नीचे? अगर नहीं घसीट पाता तो अब इस कंडीशन में ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि बॉडी नीचे नहीं जाएगी। और एक बात समझना, कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा ज्ञान दिखा देते हैं, तो ऊपर चले जाएगी 88। अरे फ्रिक्शन रोकने के लिए लगा, फ्रिक्शन लगेगा नहीं 48, फ्रिक्शन कहेगा अच्छा 40 ये है और 48 ये लग सकता है, पर 48 तक लगेगा नहीं, जरूरत के हिसाब से कहेगा अच्छा 80 को मारना है, 40 तुम हो मेरे भाई, 40 हम लगाए दे रहे हैं, तो 40 ही न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। उस केस में ए की वैल्यू क्या होगी, 0। पर यहां पर ये वैल्यू कितनी है, 0.6 है और ये 36 है। फ्रिक्शन कह रहा है मैं पूरी ताकत लगा दे रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन, तो भी इसके बराबर हम लोग नहीं हो पा रहे, ये नालायक बहुत बड़ा है, तो ये बॉडी पक्का नीचे जाएगी। इससे ये डिसाइड हो गया कि बॉडी में एक्सेलेरेशन होगा। इससे ये भी डिसाइड हो गया कि फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी को रख के एक्सेलेरेशन निकाल देते हैं। पहले काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन कंफर्म हो चुका है म्यू के एन, म्यू के 0.4 और नॉर्मल है 60, कितना फ्रिक्शन लगेगा, 24। तो फ्रिक्शन का आंसर होगा 24 न्यूटन। क्या आंसर होगा, और ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा बच्चों 24, और बॉडी नीचे की तरफ आएगी। अब क्या रहेगा, नीचे की तरफ न्यूटन्स लॉ लिख लो, एफ बराबर एम ए, फोर्स में आपको सारे मोशन वाले फोर्स लिखने हैं, तो जिस तरफ मोशन हो रहा है उसे पॉजिटिव, तो 80 वाला पॉजिटिव, 40 वाला नेगेटिव, 24 वाला नेगेटिव इज इक्वल टू, तो ये अब आपका 64 कितना, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ जाए, करेक्ट है। लेकिन इतने सारे विचार तो नहीं होंगे जितने विचार हमने बताए तुमको, ये थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना, यही विचार आए थे, तो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, तो खुशी है मुझे। देखो फ्रिक्शन में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने आंसर, फ्रिक्शन ये कि सही डायरेक्शन में आपने सोचा कि नहीं सोचा, ठीक है ना। तो चलिए इसी सवाल में बताओ जरा, अगर हम मीटर्स की वैल्यू 0.8 करेंगे, 48 न्यूटन लिमिटिंग होगा, लेकिन फिर एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना आएगा, 0। लेकिन याद रखना बॉडी की टेंडेंसी किधर है, नीचे आनी, तो ऊपर तो जा ही नहीं सकता, उसके बारे में तो सोचना ही मत, या तो नीचे आएगा या कहीं नहीं जाएगा। ये मत सोचना कि 48 होगा, ये 40 होगा, 88 हो जाएगा, ये तो ऊपर चला, वो 48 लगेगा नहीं, फिर वो लगेगा नहीं, वो 40 लगेगा क्यों, अरे समझो। इस सवाल में tan थीटा ग्रेटर देन μs लेस देन μs से ना छोड़, कोई भी अतिरिक्त फोर्स अगर हमने बॉडी पे लगा दिया तो बेसिक से करना पड़ेगा पूरा। क्या पूरी बात समझ में आ गई? हाँ जी। और अगर फोर्स ना लगाए तो फॉर्मूले से कर लेना कि tan थीटा μs से अगर छोटा है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा, फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगा स्टैटिक, और अगर tan थीटा μs से बड़ा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और एक्सेलेरेशन g sin थीटा माइनस μ kg cos थीटा के बराबर होगा। इतनी कहानी ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, ठीक, आओ हटा दे इसको। ओके बिल्कुल, स्कूल का बिल्कुल मानना चाहिए, लिख देना कि बिकॉज एंगल ऑफ प्लेन इज लेस देन दिस एंगल ऑफ रिपोज, निकाल के दिखाना फिर टेन थीटा से कंपेयर कर। अब चार नंबर में सवाल है फिर भी तुमने दो लाइन में कर दिया, तो देखना उनकी भावनाएं भी समझना, एक नंबर का सवाल है तो सीधे करना। आओ थोड़ा समझे, समझोगे, आ जाओ। अब सवाल थोड़ा अलग है, हट के सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला है,
एक ब्लॉक है, क्या है बेटे? एक ब्लॉक है, फिक्स्ड है, रफ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के है, म्यू एस है, दो कोफिशिएंट दिए अलग अलग, ठीक है भैया। थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी ले बताओ ना, 37 डिग्री ले लेते, 50। म्यू एस की वैल्यू ले रहे हैं 0.4 और म्यू के की वैल्यू ले रहे हैं 0.2। बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा वरना तो सुप्रीत को चश्मा लग जाएगा। 0.4 और म्यू के है 0.2। अच्छा मोबाइल पे देख रहे हो क्या क्लास? नहीं सर, क्यों सुप्रीत? तुम कह रही आज बड़ा लिख दीजिए, मतलब आज क्यों बड़ा लिख दीजिए? सर बोर्ड थोड़ा ब्लर है। बोर्ड ब्लर, ऐसा क्यों? सर शायद मेरा वाईफाई खराब होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, पहले बताना चाहिए था। ये तो यहाँ पे बहुत तगड़ा इंटरनेट है सर, एडजस्ट हो रहा था। अच्छा एडजस्ट हो रहा है, ये किनका है? अच्छा मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि सही वाईफाई से कनेक्टेड है, चोरी का वाईफाई तो नहीं? नीचे वाला बंद कर दिया उन्होंने, जान गए वो। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा वहां से यहाँ थोड़ा सा पूरा एक वो वाला इंटरनेट, अगर यहाँ भी हमें एक्सेस चाहिए तो यहाँ पर एक राउटर अलग लगवाना पड़ेगा, उसी नेटवर्क को यूज कर सकते हैं ना? हाँ, या उसकी बैंडविड्थ बढ़वाइए। नहीं बहुत बढ़िया बैंडविड्थ है यार, बैंडविड्थ थोड़ी और बढ़वाइए तो तभी सही है। नहीं नहीं उस क्लास में जरूरी है ना, नहीं नहीं दोनों, फिर तो दोनों में परफेक्शन के साथ दोनों में नहीं जाएगा फिर तो। दूसरा सोल्यूशन क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कनेक्ट होके एक डिवाइस यहाँ रख जाए? अच्छा चलो चलो, तुम लोग ए अधूरी जानकारी, अगली क्लास में पूरी जानकारी लेके आना तब बताना आगे, ठीक? मुस्कान थोड़ा थोड़ा समझ रही है, पूरा समझ रही हो? अरे वेरी गुड वेरी गुड, तब तुम मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं है, मुझे लगा ऐसा ना हो पहले दिन। बहुत बढ़िया, तो ये वाला सवाल जो मुझे सबसे पहले आंसर करेगा उसको मैं एक छोटी वाली चॉकलेट खिलाऊंगा। एक पार्टिकल है जिसको मैंने 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका है, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, रफ सरफेस पे ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, और इसका जो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है, जी की वैल्यू 10 ले लेनी है आपको, थीटा 37 डिग्री है प्यारे बच्चों। आपको यह बताना है सबसे पहले, फाइंड आउट नंबर एक एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, नंबर दो बच्चों फाइंड आउट टाइम फॉर विच ब्लॉक विल मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और नंबर तीन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर या टिल इट स्टॉप्स है, टिल इट स्टॉप फॉर ए मोमेंट। Also find time of return motion. बच्चों
थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, ध्यान से देखो मैं क्या क्या पूछना चाह रहा हूँ। पहली बात तो जब बॉडी ऊपर जाएगा तो एक्सेलेरेशन कितना होगा ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी ब्लॉक की ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ठीक। फिर मैंने पूछा जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा चलने के दौरान। फिर मैंने पूछा है कि कितना टाइम ये जो ऊपर की तरफ जाएगा और रुक जाएगा, कितने टाइम बाद ये रुक जाएगा। फिर मैंने पूछा कितनी डिस्टेंस चलेगा रुक जाने से जस्ट पहले तक, कितना चल के रुकेगा। फिर ये लौटेगा, रुका नहीं रहेगा परमानेंट, वो टाइम थीटा म्यू से बड़ा, चलते चलते रुक जाएगा फिर ये लौट आएगा। तो लौटने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें आपके कई कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे। और मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए हर पार्ट के लिए आपको 2 मिनट 1 मिनट देता हूं, 4 मिनट टोटल। मास गिवन नहीं है, मास गिवन नहीं है, मास कुछ भी मान लो, मास में कोई फर्क नहीं है। दे दिया क्या मैंने मास? मास गिवन नहीं, चूंकि मास इन सभी कैलकुलेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मास को एम मान लेना। ये मैं बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं बताया जाएगा कि बेटा एम मान लेना मास को, ठीक है। तो मास गिवन नहीं है, कुछ मान लो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। sin 37 लिखो लिखो, sin 37 3/5, cos 37 4/5, sin 37 3/5, cos 37 4/5।
हाँ भाई बताओ। अरे एक आधा तो कर लो, कुछ नहीं आप पहला कर लोगे सब हो जाएगा। फोर पॉइंट फोर आ रहा है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। पहला न्यूटन के जो तीन इक्वेशन है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसका यूज होगा इसमें, तुम जब मैकेनिक्स पढ़ रहे 11th की फिजिक्स, सब न्यूटन की तो देन है पूरी, 90% न्यूटन्स के लॉस पे ही तो सारे ये सब बेस्ड है, इंपल्स मोमेंटम ये सब। आ बेटा करें। अरे तुम ये पहले ये देखो ना बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलरेशन अपने आप आ जाएगा। आओ देखते हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि ये जो पहला क्वेश्चन कराते हैं, पहला क्वेश्चन कर दे, एक बात बताओ, ये बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा या स्टैटिक? काइनेटिक, इतना समझते हो ना? काइनेटिक फ्रिक्शन के फोर्स देख के लगाते हैं कि वेलोसिटी देख के, रिलेटिव वेलोसिटी का फोर्स करते हैं। तो ये रफ सरफेस पे जब बॉडी ऊपर रगड़ेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे लगेगा इस बार, म्यू के इनटू एन लगेगा कि नहीं? और एक एमजी साइन थीटा तो ऊपर लगने नहीं लगेगा, यानी ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ लगेंगे और नॉर्मल की वैल्यू तो mg cos थीटा के बराबर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तभी तो बॉडी रुकेगी, तभी तो रिटार्डेशन होगा। फोर्स तो दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, एक लग रहा है म्यू के mg cos थीटा डिवाइड बाय मास f / m कर देंगे। अरे तुम्हें दिख रहा है कि बॉडी रुक रही है तो रिटार्डेशन, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जबरदस्ती ऊपर की तरफ कैसे कर दे रहे हो जब सारे फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं? समझ में आ रही बात? तो यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा, g 10 कॉमन आ गया, ये 3/5 है, म्यू के कितना है 0.2 into 4/5, कितना एक्सेलरेशन आएगा 6, बात ना करो 1.6, 7.6 आ रहा। अरे तुक्का बिड़ा दिया, हम समझ रहे हैं। चलो देखो कैलकुलेशन ठीक है मेरा? नहीं गलत हो गया है? हाँ ठीक है, ठीक। इसका मतलब है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 40 थी और रिटार्डेशन आ गया 7.6, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेंगे। अब ये बताना है ऊपर जाने वक्त कितना टाइम लगेगा, तो पहली क्वेश्चन लगा लो v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी जब रुक जाएगा तो जीरो हो जाएगी, और u कितना था 40, ये कितना है माइनस 7.6, और टाइम चाहिए ऊपर जाने का टाइम, तो ऊपर जाने का टाइम मान लेते हैं t1, 40 डिवाइड बाई 7.6 यानी 4400/76 जो भी टाइम आएगा ये टाइम है। इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप थर्ड इक्वेशन लगा लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी जीरो कर दो, u 40 है, a है माइनस 7.6 और ये s मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना होगा जाते वक्त, हाइट जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये s आ जाएगा 1600 या 800 डिवाइड बाय 70, आप सॉल्व करते जाइए, ठीक है। इससे यह पता चल गया कि इतनी हाइट इतनी डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगा, यहां रुक गया बॉडी। अब एक बात बताओ, ये पहले चेक करना होगा कि ये लौटेगा कि नहीं लौटेगा, अब यहां रुका हुआ है, सोचो एक पल के लिए रुक गया, हमेशा के लिए रुका है कि एक पल के लिए रुका, ये चेक करना पड़ेगा। तो tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से बड़ी है, एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल है,
फिसल आएगा नीचे, और जब नीचे फिसलेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगने लगेगा, तो वही केस हो जाएगा जो पढ़ाया था, mg sin थीटा नीचे लगेगा और म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। आदत समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। तब लौटते वक्त एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा। इस एक्सेलरेशन से लौटेगा और इतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितनी गया था उतना, इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न जर्नी का मतलब कराना है। तो फिर से आप ये क्वेश्चन लगा दोगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी, इसका टी टू निकालना है, यू जीरो हो जाएगा बिकॉज रेस्ट अब लौट रहा है नीचे, तो इनिशियल क्या हो जाएगा? जीरो। एस वही रख देना है जितना चढ़ा था उतना ही लौटना है, रिटर्न करना है, तो यहां से टी टू आ जाएगा। लौटने का टाइम कितना होगा? क्या बात समझ में आ गई? अब आप देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और काइनेमेटिक्स पूरा यूज हो रहा है। ओके समझ गए? समय बताओ क्या हुआ, टाइम क्या हुआ? 7:30 में 5 का, 7 में 5 बोलो, 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा नहीं, 6:30 जल्दी टाइम बीत गया आज का, समय तो ऐसा लग रहा हेलो कहके निकल गए। बताओ भाई बताओ जल्दी से, 2-3 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे अभी, हटाए अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ, एक सवाल तो करा दे, 5 मिनट तो है। कल क्या डिसीजन हो रहा, कितने 9 बजे से टेस्ट देने आ रहे हो ना आप लोग, 9 बजे से टेस्ट है ना कंफर्म, 9 से कितने तक है? हाँ 10 से क्लास लगाते हैं, ठीक बेटे 10 से 12 क्लास होगी फिजिक्स की, ठीक है 9 से 10 टेस्ट हो जाएगा, कल 10 से 12 फिजिक्स की क्लास, ठीक है नौ से 10 टेस्ट, बट हम 10 मान के चल रहे हैं, आधा घंटा वेट करना होगा तो हम भी आ जाएंगे, तुम भी आ जाओगे, कहाँ भागे जा रहे हो, 10 मान के चलते हैं। सर 10 से कितने बजे? 2 घंटे पढ़ाएंगे कम से कम बेटा, कल 10:30 मान के चलो सुप्रीत, 10:30 से 12:30 रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। यस सर। ठीक है गाड़ी दिखाओ पहले सही से, एक कभी कभी तो मेरा 8 बजे तक क्लास लेने का मन करेगा, कभी कभी तो ले ही सकते हैं, तुम्हें कहाँ जाना? अच्छा इसलिए हमें लगा तुम देर हो रही इसलिए कह रही हो, ठीक है तो आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्योंकि आज मैं भी थका महसूस कर रहा हूँ, ठीक है ओके बच्चों आज की क्लास इतनी रखेंगे। मुस्कान कंफर्टेबल हो तुम तो तुम्हें लेक्चर, तुम्हारे घर के आसपास रहती कहीं, एड्रेस अलग अलग है?
अरे इनमें इन दोनों में से किसी के नोट्स ले लेना, उसके फोटोकॉपी करा लेना, फिर वो पढ़ लेना, भैया से पूछ लेना, जो ना समझ में हमसे पूछ लेना, हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेंगे, लेक्चर देख लेना, नोट्स फोटोकॉपी करा लेना, तो नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। जिसकी राइटिंग अच्छी लगे दोनों में से उसके नोट्स ले लेना, क्योंकि दोनों आओ आओ Thank you.